खबरों की ओर। सोनीपत के कुंडली में 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से अपहरण के बाद रेप की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना का खुलासा खुद पीड़ित छात्रा ने सीएम के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन के सामने किया। पीड़ित छात्रा ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन उन पर रेप की धारा नहीं लगाई गई। इतना ही नहीं, पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर धमकाने और जबरन बयान करवाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की पूरी बात सुनने के बाद सीएम के मीडिया सलाहकार ने इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। Stand by.